अच्छा फिर चल भी बढ़िया। ये दो चार दादी की पुण्यतिथि में बांटने हैं ना, मिले थे हमारे भाभी जी, वो बता रहे जैसे कब कब होता पूजा, तो वो भी बता रहे थे उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो कूड़े की गाड़ी है अभी जो हमारे अभी कुछ जगह अप्लायमेंट नहीं हुआ गुड़गांव में, जैसे हम लोग मंथली पे करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के है, पूरा दिखाऊंगा आप यार ऐसा गमचा चाहिए। हाँ तो इसे क्या बोलते हैं बता, यूपी में तो गमचा बोलते हैं। हेलो भाऊ जी, तो वेलकम टू वर्मा फैमिली ब्लॉग, और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आपको 24 जून, 24 जून है मेरी मम्मी की आज चौथी पुण्यतिथि है, और आज इस पे थोड़ा देखो डेली रूटीन का ब्लॉग तो थोड़ा थोड़ा बन जाता है जो मेरे आप लोगों के अपडेट के लिए, और आज अभी जो जो होगा वो दिखाएंगे क्या क्या कर रहा है। और जैसे मैंने इसमें बता रहा हूँ कि जैसे हम उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड के हिसाब से साल की पूजा निकलती है, वो हमारे पंडित जी आके बताएंगे कि कब है, जब मे भी अब जैसे 24 साल के तो जुलाई में जाएगी वो पूजा, तो उस पूजा के लिए भी देखते हैं पंडित जी आएंगे वो बताएंगे। चलो इस ब्लॉग में बने रहें आगे। रेडी? अरे चल दिया है देखा अच्छा फिर चल भी बढ़िया। ये दो चार दादी की पुण्यतिथि में बांटने हैं ना, तो ये हाथ लगा दे इनमें, जैसे कि अभी पूजा होगी दोनों में हाथ लगा दे बेटा, और ये आज हम मंदिर में बांट के हैं बिस्किट और देख खोल के बिस्किट, और ये है टाटा के लेके आया था, हनी गई थी ऑफिस हनी तो लगा गई, अब मैं और हम दोनों भाई बांटे आएंगे अभी, ठीक है। चल बेटा ठीक है फिर भाभी को बोल दे बाय बाय। वाह दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया भाई। और ये हमारा भतीजा अब चल दिया है, जो कि मैं काफी जब मैं दोस्तों के साथ आता था गुड़गांव से देखता था, तो चल चल भाई अभी जा रहा है स्टूड। और हमारी भाभी जैसे रोज काम पे भाभी ठीक सुबह से लगे हुए हैं ना, ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है भाभी चल भाई करो भाभी सफाई। हाँ बोलो आराम से करो करो करो। हाँ 4 साल हो गए ना, 4 साल हो गए। एक दूसरी फोटो भी थी ना हमारे पास, हमारे पास है एक मनोज के पास है, मैं और बनवाऊंगा मैं सुनील से, और ज्यादा नहीं बनाते हैं नहीं फोटो बनवाते नहीं तो रखते थे, जैसे हमारे पास है और मनोज के पास है उसमें क्या यार मतलब अच्छा। हाँ और मंदिर की भी सफाई हो चुकी है, चलो जी मंदिर की पूजा पाठ करके फिर चलेंगे दोनों भाई। करो तुम भाभी पूजा, मैं भी आ रहा हूँ ना। जोड़ोगे ये डाल दे इसमें पहले, इतने ले चलो पहले और आगे होंगे तो और देखेंगे। इसको रख लिया चल लेट्स स्टार्ट। क्या कुछ नहीं, और ये तैयारी हो चुकी है क्योंकि मैंने पहनने का वक्त धूप काफी हो जाएगी इसलिए डाल ले, टोपी ओपी तो डाल ले सुन रहा है। मिले थे हमारे भाभी जी, वो बता रहे जैसे कब कब होता पूजा, तो वो भी बता रहे थे उनका भी है।
चलो चल वे आ जा कमांडो। ओहो किसकी है? पैसे की चीज का तो ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ये पार्किंग का देखो, जैसे कलम बात कर रहे, बिल्कुल दिखाऊंगा भाई। अयो और भाई बड़े ये है काके, बता रहे थे कि जो समस्या है कॉलोनी का मंदिर, प्राचीन शिव दुर्गा मंदिर। हाँ वो सब दे देंगे ना, चलो तो मंदिर का भी पूजा होते उसके बाद का दिखाएंगे आपको। अभी रास्ते तो साइड हो जाओ। ये है पंडित जी के परिवार से, चला जा भाई बाहर चले, अब पूजा पाठ होगी। लो बाबू जी कौन बनाएगा? बाबू जी देता कौन बनाए, किसने बनाया? चल बना दे तो देख। अरे यहीं पे पीपल का पेड़ है और भोले शंकर जी का बना हुआ है सन्निधि में सारा। पहले से अच्छे पहले यहाँ पे राजू का है ऑफिस, वो घर को चला गया और भाभी कर रहे हैं पूजा। मैं ही एक दो मंदिर और रोकाता हूँ जो हमारे कॉलोनी बने हुए हैं, उन मंदिरों को देख के आते हैं, उसमें बैठूंगा और देख के आते हैं, चलते आगे। तो मैंने बताया था पूर्वी दिल्ली खेल परिसर है, हमारे ही कॉलोनी से टच है जो बनाया हुआ है, देखो काफ़ी, जो कि मैं काफ़ी बार दिखा करता हूँ। इसी के बगल में एक मंदिर, वहाँ भी देख के आते हैं। मैं पहुंच गया हूं NBM के पास, ये स्कूल दिखाऊंगा जहां से हमारे बच्चे पढ़े हैं भतीजे और हनी, और अभी जो देखा होगा आपने वो ये स्कूल से पढ़े हुए हैं NBM नूतन विद्या मंदिर। काफ़ी मतलब दो स्कूल लगते हैं, जैसे कि मैंने कल देखा था ग्रीन फील्ड और एक NBM। ये अब है एक आगे शनि मंदिर। ये देखिए पेड़ों की बात मैं कहता हूँ, हमेशा अपने ब्लॉग में थोड़ा बहुत कह देता हूँ, देखो ये होता लगाने का। अब जब मैं आपको दिखाऊँगा काफ़ी विशाल पेड़ है ये, देखो ये ऐसे पेड़ लगे होने चाहिए, अब इनकी ज़रूरत है, वो चले गए फ्लावर। ये देखो अब इनकी ज़रूरत है, ऐसे पेड़ों की लगाओ, पर्यावरण बचाना है तो। अब LIG वाले मंदिर, बालाजी वैष्णो मंदिर है, इधर देखते हैं बैठे हैं, कुछ देते हैं इनको, मैं रखता हूँ। हेलो बाबू जी, बाबू जी ठंडा पियो। जय माता दी। होते हैं जी थोड़ी बस दुआएं मिलने से जी आप लोगों की, आज हमारे में अच्छा लगा बहुत, मैं तो ठीक है जी, धन्यवाद। सब सब्जियों की दुकानें यहाँ खुलते हैं, कुछ फ्रूट व्रूट की। ये है श्री राम चौक, एक चीज़ जो मैं दिखाता हूँ बार बार देखना, क्यों दिखाता हूँ मैं ये है, अपना भी समझना, ब्लॉग देखे मार और वो बोलता नहीं हूँ। ये आ रही है ट्री, अभी कभी छोटे छोटे आज इन्हीं की वजह से देखो जो सामने जो शेड लग रहे हैं सारे, ये जो सारे हैं ठंडा इसी चीज़ से है और कुछ नहीं। यहाँ पे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, तो मेरा तो यही मानना है, मैं तो यही पता करूँगा पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए भैया। और बांटते मैं पहुँचा हूँ 212 के स्टैंड पे, जो कि हमारे वहाँ का जब नंबर 212 है तो स्टैंड पे। अब यहाँ पे देखते हैं अभी काफ़ी लोग बैठे हैं, थोड़ा मैं ये दिखाना था कि स्टैंड का क्या है, क्या कंडीशन। जैसे कई मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं यार अब तो वहाँ की हमें थोड़ा अपडेट डाल दिया कर,
कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है और कैसा हो चुका है लोकेशन, क्योंकि एक दोस्त का अपने कॉलोनी की और घर की डाल देगी, उसका घर इस साइड को पड़ता ही है, जो फ्लैट्स है सेकंड उसमें उसका घर है, वो देख रहा होगा वीडियो को तो पता लगेगा। उसकी यही डिमांड मैं पूरी करता हूँ, पहले वीडियो उसके घर की बाहर के दिखा दी। अब बजरंगी कचौड़ी वाले की जरा वीडियो बना के देखिए, मैं दिखाता हूँ। मेरे सामने है बजरंगी कचौड़ी वाला, जो कि काफ़ी हमारे टाइम पे फेमस है और हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है बजरंगी। देख ले भाई, अब वो बाबूजी को देते हैं कचौड़ी। बाबूजी लो ये खाओ और ठंडा पियो आप, लो। तो अब चलते हैं घर को। जैसे कि भाई कहता भी वहाँ पे कोने भी देखा तो वहाँ पे सब हो गए फट गए, कोई कुछ हर देख देना उन्हें जो नीडी हो, कि कई लोग होते हैं जो स्टोरेज कर लेते हैं अपना सामान, इससे अच्छा उनको दिया जाए जो नीडी हैं, जिन्हें ज़रूरत है, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। A few moments later, गवर्नमेंट के द्वारा जो कूड़े की गाड़ी है, अभी जो हमारे अभी कुछ जगह अप्लायमेंट नहीं हुआ गुड़गांव में, जैसे हम लोग अभी मंथली पे करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के हैं, पूरा दिखाऊंगा आपको। अर्ली मॉर्निंग आए थे, ठीक है, सबों ने सब सफाई करके नहीं पड़ लेते, वो गाड़ी है। अब ये दो, ये अपने सफाई के लिए अच्छा है, इससे गंदगी नहीं होगी सफाई। देखो फोन तो निकलता था, अब तो हम पहुंच चुके हैं घर। Three hours later. आओ, ये देखो बिल्ली पालतू, आ जा, ये पालतू बिल्ली है। हाँ म्याऊं, अरे देखो कितनी प्यारी पुसी, भाग गई और हो चुकी है बवांदी। यालक ऐसा गमचा चाहिए, हाँ तो इसे क्या बोलते हैं बता, यूपी में तो गमचा बोलते हैं, बोलते हैं फरना, यहाँ गमचा बोलते ना, मैं भी यहाँ पे गमचा बोलता हूँ, उसके काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल व्हाइट वाला। हाँ नहीं, ये मैंने मंगाया था हरियाणा में सफेदो जगह, वहां से मंगाया था, कॉटन होता है इसमें, तो देख लो ये डिमांड कितनी है, इसकी डिमांड बहुत है भाई। चल अब क्या आएगा तो मैं लेके आऊंगा, ठीक आऊंगा तो।